पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले से देश का हर नागरिक गुस्से में है। इस अमानवीय और दिल दहलाने वाली घटना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। सेना के जवानों की शहादत के बाद लोगों का इस तरह का आक्रोश पहले कभी नहीं देखा गया। वसई तालुका में दुकानें बंद कराकर ट्रेन रोककर नागरिक पाकिस्तान का जमकर विरोध प्रकट कर रहे थे। वसई तालुका में जहां नागरिकों ने सभी दुकानें बंद रखी, वहां नाला सुपारा रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन को घंटों तक रोक दिया गया। वहीं ट्रेन रोकने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो नागरिकों ने रेलवे पुलिस पर पत्थरबाजी की। इसमें कई नागरिक घायल हो गए। ये घायल एक वृद्ध नागरिक हैं जिनको लेकर जा रहा है, इनके सिर पर मार लग गया है। इस तरह से कई और लोग पुलिस के लाठीचार्ज और पत्थरबाजी में घायल हो गए हैं। पुलिस कमिश्नर वसई रिवीजन सुजाता पाटिल। आज की जो सिचुएशन हुई है वो सीआरपीएफ जवानों के ऊपर कल जो जेएनके में टेरर अटैक हुआ है उस समय पे आज बॉम्बे में लोकल ट्रेन रोक दी गई है पब्लिक से, और 8 बजे से कम 9:30 बजे तक 10 बजे तक 2 घंटा रेल रोको किया गया। जनता बहुत त्रस्त है, जनता बहुत गुस्से में है और उनको समझा कि हमने एक कर दिया है और लोगों ने बहुत सारी भीड़ बना दी। ट्रैक के ऊपर लोग उतर गए और उनको जवाब चाहिए कि वह ये जो नुकसान हुआ है, आज के जवान जो हमारे शहीद हुए हैं उसमें वो दुख में और मतलब इनसिक्योर फील कर रहे हैं वो लोग, और उनके लिए हम लोगों ने पब्लिक से बहुत सारी मतलब इंट्रैक्ट करके उनको समझा के ट्रेन जो लोकल ट्रेन जो है बॉम्बे की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है जो 2 घंटे से बंद थी, हम लोगों ने अभी रेगुलराइज कर दी है। उसमें बहुत सारी भीड़ जमा थी, बहुत सारे हजारों के तादाद में 10,000 तक लोग ट्रैक पे उतरे थे और पूरे प्लेटफॉर्म पे भीड़ की थी। उनको हटाया हमने, समझाया, वो भीड़ में टेम्पल जैसा होकर मेरा हाथ भी आज फ्रैक्चर हुआ है, मेरे इंजोर हुई हूँ मैं, उनको समझा के, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है। उनको समझा के लोग अभी वहां से ट्रैक छोड़ के और प्लेटफॉर्म छोड़ के निकल गए। रेगुलर ट्रेन हमने की है, फोर्स लगाया हुआ है, लोकल फोर्स है, आरपीएफ है, जीआरपीएफ हम लोग खुद है, और उसमें मैं जनता जनार्दन जो है उनको अपील करती हूँ कि शांतता रखे। जो भी है हमारे जवान शहीद हुए हैं उसमें हमारा ऑलरेडी नुकसान हुआ है, और नुकसान ना करे, और हम लोग जो दुख में है वो उसको उसके लिए सरकार जो है वो सक्षम है और ऐसा नुकसान उसका एक्ट न करे और हमको कोऑपरेट करे। बस धन्यवाद।